देखो रास्ते की कहाँ था लीचिंग मेरा दूल हर मीडियम में इसको डर लगता है, ऐसा नहीं है ये पहला। मम्मी मम्मी बताओ मैं क्या बोलोगे मम्मी ऐसा करेगी मम्मी। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। अच्छे रहना भी चाहिए एंड कुछ नेगेटिव लोगों को अवॉइड करना चाहिए हमेशा। लाइफ में ऐसा चलते रहता है तो उन लोग को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। सुबह सुबह भाषण दे रही हूँ लेकिन ये हमारे साथ हर रोज होता है तो इसीलिए बोल। तो अभी सो रही है, देखिए मैं उठ गई हूँ 6 बजे, अभी हो रहा है 7:15। तो मैंने कुकिंग चढ़ा दिया, झाड़ू वाड़ू सब लगा लिया। आज गुरुवार है तो पोछा नहीं लगेगा मुझे, है ना। ये देखिए कल के कपड़े, तो इसको थोड़ा बाहर डाल देती हूँ। तो कल गूगल वेदर में दिखा रहा था कि बारिश होगी सुबह, तो मैं सोच रही थी कैसे जाऊंगी। मतलब ना पीटीएम है, एक बार हम लोग पिछले साल ऐसे, मतलब पिछले साल तो नहीं, 2 साल पहले जब जा रहे थे तो इतना मतलब पानी गिरा था, बाकी जब जा रहे थे तब नहीं गिरा था। तो कीचड़ है वो पूरा मेरे पीठ तक, पीठ से लेकर पैर तक, पीछे से छिटकता है पूरा। मैं कीचड़ में सनी हुई थी बोले, तो मेरे को थोड़ा वही टेंशन था। तो अभी ठीक है मौसम, देखते हैं। 12 बजे के बाद ही पानी दिखा रहा है, 1 बजे के बाद से, तो मौसम का कुछ बोल नहीं सकते। दिखाता कुछ हो भी जाता कुछ, तो कुछ वही हाल है। तो फिलहाल मैंने दाल चढ़ा दी है एंड तुरई फ्राई करूँगी, खाना ब्रेकफास्ट में बनाऊँगी। एंड ब्रेड वाला आया था तो ब्रेड ले ली है 2 ठो, तो हितिका ब्रेड जैम खा लेगी या फिर जो भी खा ले बोलो। कपड़े पूरे घर में पड़े हैं बारिश के चलते ना, एकदम बुरा हाल है सबका। तो रही काट के मैं चली जाऊंगी शार लेने के लिए, तो ये सब काम मैंने सोचा मैं कर लेती हूँ, नहा के आके सीधे दोनों को चढ़ा दूंगी, हो गया बोली मैं तो इसीलिए। अभी मौसम भी ठीक ठाक है, मेरे को बड़ा टेंशन हो रहा है जाने का कैसे क्या होगा बोल के। एक तो बाइक में जाना है एंड वहां का जो रास्ता है, बाप रे बाप, मतलब मैं आपको ना वीडियो शूट करके भी नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि इतना मुझे डर लगता है ना वो रास्ते में, इतना कीचड़ है, खाली गड्ढे और कीचड़ एकदम पूरा, क्या बोलो। तो रही यहाँ पर हो रही है दाल, जस्ट दाल में तड़का लगाया है मैंने, तो आज बन रही है मेरी पसंद की दाल, मस्त टमाटर हरा धनिया वगैरह डाल के। ये बाप बेटी को बिल्कुल नहीं पसंद है, ये लोग पता नहीं कैसे रिएक्ट करने वाले हैं। एंड ये रही मेरी चाय भी रेडी, शाल लेकर आ गई हूँ आके, फिर तुरई वुरई सब कुछ फटाफट बना लिया, अगर कहीं जाना है तो लेट ना हो कुछ उस हिसाब से, तो फिर हो गया है बोले सारा काम। तो बस अभी चाय पीते हैं, फिर चावल चढ़ाते हैं, सारे बर्तन धो देते हैं, उसके बाद रेडी होते हैं। ये देखिए बाहर का मौसम, कोई भरोसा नहीं है कब पानी गिर जाए, कैसे करेंगे क्या पता। आया था ब्रेड वाला एकदम फ्रेश ब्रेड, तो मैंने ले लिया कहती का, मतलब ब्रेकफास्ट ना बनाना पड़े करके, तो ये तो खा ले रही है। इससे ज्यादा और इससे ज्यादा इसके पापा के नखरे हैं, अम्मी को नहीं पता वो क्या खाएंगे। हम दोनों तो ब्रेड खा लिया, अम्मी को नहीं पता वो क्या करने वाले। जल्दी कर, कुछ कर लिया है, कुर्ती पहन रही हूँ मैं, बारिश में पूरा कीचड़ सी करता है ना, मेरा वही टेंशन हो रहा है पूरा। टीका बनाएगी मेरे बाल, अभी लाइट है पीछे एकदम बेकार पर हम रेडी हो गए हैं। तो ये मुझे बेफालतू में पकड़ना पड़ रहा है क्योंकि स्कार्प बांध के जाना पड़ेगा, पानी नहीं गिर रहा है, मौसम खुल गया है तो पूरा रास्ता धूल धूल होगा, तो वो सब रखने के लिए एक्स्ट्रा मतलब पकड़ना पड़ जाता है बोले। तो बस 9:30 हो गए, देखे को टेंशन हो जा रहा है, मम्मी वहां जाके कुछ नहीं, मम्मी वहां जाके कुछ नहीं यही चल रहा है अभी क्या बोलूंगी बताओ क्या बोलूंगी। स्कूल से बस कुछ नहीं बोलना चाहिए, मैं जा रही हूँ, मेरे को कान में कुछ नहीं जाना चाहिए, इतना याद रखना तुम, फिर मैं चालू कर दूंगी नहीं तो। हाँ क्या बोली, मम्मी मैं अच्छा बच्चा बन के रहूंगा, मत बोलना वहाँ पे कुछ, मेरे को बोल रही है। डर तो सभी को लगता है, क्या डर लगता है? अच्छा अच्छा माउंटेन डियो का एड दे रहे हो तुम, फोन एक डाकू। ये तो मुंह बिल्कुल बांधने के लिए नहीं होती है, देखो बांधी हूँ तो आधा आधा खोल भी देना अभी। मम्मी ये छोटा डाकू को चश्मा देने से पहनती नहीं है, ये हाथ में पकड़ के गिरा दे मम्मी
देखो रास्ते की खाता लीचिंग लीचिंग खाने जाती हूँ। तो आप बस में जाओ बेटा, बाइक में जाओ। बस में जैसे नहीं लगता है, धूल तो नहीं लगता है, कीचड़ सारा सूख के अभी डस्ट बन गया है। नॉर्मली रास्ते में डस्ट भरा ही रहता है। हम लोग आ गए स्कूल, धूल में नहा लिए हैं पूरा। तो अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, इसका क्लासरूम था ऊपर। पीजीएम हम जा रहे हैं। कृतिका को बहुत डर लग रहा था, उसकी कंप्लेन करेगी मम्मी बोल के। की कंप्लेन? तो ये देखो रास्ते की हालत, धूल पूरा। हम लोग आए हैं पूरा धूल में लाल। ये देखो कृतिका की ड्रेस अभी भी धूल में। इधर हटो, ये देखो तुम हट क्यों रहे हो, खड़े रहो ना। ये देखो अभी भी धूल धूल, हम लोग का हाथ पैर पूरा एकदम धूल। धूल मोबाइल में तो हो जी, तुम्हारा नहीं हुआ मेरा देखो। इतना धूल है रास्ते में, बताओ। ये हमारा मेन्यू ब्रेकफास्ट, हम लोग ब्रेड खा के गए थे वैसे तो, पर भी होटल में रुके तो ले आए, तो ज्यादा नहीं खाना था, एक एक पीस खाना था, इसलिए मीठा कम ही लिया। देखिए मैडम का अटैक खाने पे। तो यहाँ पे हितिका कर रही है अपने टेबल की सफाई। फेस में एकदम बेकार लग रहा है क्योंकि गुरुवार है एंड जो बृहस्पति देव है मैं उनकी पूजा करती हूँ, पहले फास्ट करती थी ना, तो उसमें आप साबुन वगैरह यूज नहीं कर सकते आज के दिन। तो अभी मेरा फेस का एकदम इतना धूल ना, मैं क्या बताऊँ, बाल सारे कड़े हो गए। ये देखिए आईब्रो सब अलग ही लग रहा है, तो टोनर से थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो ये देखिए कॉटन में मैंने ले लिया है टोनर, अब आपको दिखाते हैं। दिख रहा है, आते के साथ मैंने पानी से धोया है फेस को, पानी से थोड़ी जाता है ये सब एकदम, मतलब और पूरा डाकू बन के जाते हैं। देखिए ये निकल रहा है, पूरा डाकू बन के जाते हैं हम लोग तो, पर भी ये हाल है। तो मैं अच्छे से पोंछ लेती हूँ और कॉटन लगेगा। जी जी, इतना गंदा मुंह में रहेगा तो मेरे को अजीब नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा। तुम पोंछे? हाँ, तुम तो पोंछना ही मत। चलो अगर मैं गुरुवार के दिन ना अवॉइड करती हूँ कहीं आना जाना, बताऊँ क्यों? ये देखो इतना डस्ट है यहाँ पे, इतना पूरा बांधने के बाद अगर इतना डस्ट, मतलब डस्ट में ना आई हूँ मैं तो बताइए, फिर एक और बार पूछना पड़ेगा, फिर पता है रोज वाटर से पूछना पड़ेगा। फाइनली मैंने अपना भी स्किन मतलब टोनर से पोंछ लिया, हितिका का भी पोंछ लिया। अभी जाकर फेस को धो लो पानी से बढ़िया से, फिर रोज वाटर लगाओ फेस में। चलो ये भी काफी बेटर लग रहा है, देखिए पहले कैसा दिख रहा था फेस एंड अभी देखिए, तो खुद ही पता चल जाता है भाई। देखिए अभी शाम के बज रहे हैं 4:45, फुल बादल एंड हल्की फुल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई थी लेकिन बंद हो गया है, ऐसे में गए प्रतिदिन गैस लाने। शिकागो मैंने ये देखे सारे जो क्वेश्चंस हो गए एंड ये जो फिल इन द ब्लैंक्स एंड ये मेरी राइटिंग है, देखिए जल्दी जल्दी लिखी हूँ। सालों बाद लिखना स्टार्ट किया फिर से बोले, तो ये सब दे दिया, अब देखते हैं वो कैसे क्या करती है। इसका काम, इसका कहना है कि ये मैं नहीं कर रही हूँ, तो घर में और कौन सा तीसरा बच्चा आया था या दूसरा बच्चा जो ये लिखा था बताइए, ये इसका काम नहीं तो किसका काम है, बता सकता है कोई? इसके लिए एक थप्पड़ भी खा लेना वो, लेकिन अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं करी कि मैं करी हूँ करके। कौन किया? पापा। पापा को खा के काम नहीं है। हितिका मैडम लग गई है ड्यूटी पे, अभी हम देखते हैं कितना सही कितना गलत करती है, उतना पड़ेगा उसको चपेट। फिर
टीचर मैडम को बोले स्कूल में टाइम नहीं मिलता सही में। तो मैं बोल रही हूँ अब रहना तो 2 घंटा हो गया, बहुत प्रेशर दे दिया दिमाग में, तो ठीक है स्कूल में तो मैं बोली ठीक है बाद में कर लेता। मम्मी टाइम नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता, मॉनिटर हूँ ना। अच्छा आज स्कूल गए तो सुन लीजिए, स्कूल गए तो क्या हुआ, तो चलो फ्रंट में मैं भी आती हूँ ठीक। स्कूल गए तो मैं तो सीधे जाके पहले यही बोलूँ, मैम बताइए कोई कम्प्लेन है तो, क्योंकि भाई मेरी तरफ से कोई कम्प्लेन नहीं थी, एक इशू था जो कि मैंने मतलब बोला बहुत ही अच्छे से कि ऐसा नहीं होना चाहिए दोबारा, मतलब बिना रीजन के मेरे बच्चे पे कोई हाथ नहीं उठाना चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल करोगे कुछ वैसा। तो मेरी बेटी बहुत शरीफ है, मैं क्लियरली बोल के रही हूँ। हाँ, सारी टीचर बोल रहे हैं बहुत अच्छी है, गुड गुड है, गुड गुड गुड, हमारी तरफ से तो कोई कम्प्लेन। अच्छा टीचर, सारी टीचर, अब हिंदी टीचर बोल रही है, मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी तारीफ नहीं करूंगी वरना तुम उड़ने लगोगी ऐसी हिंदी टीचर तो मेरे को भी अच्छा लगा भाई, मैं इतना पढ़ा रही हूँ तो मेरी मेहनत कुछ तो काम आ रही है ना, अभी देखते हैं हम रिजल्ट कैसा आता है। मेरे को ना थोड़ा डर भी लग रहा था, हर मीडियम में इसको डर लगता है, ऐसा नहीं है ये पहला पी है। मम्मी क्या बोलोगे बता, मम्मी मम्मी बता मैं क्या बोलोगे मम्मी ऐसा करेगी देखते कितना अच्छा है। अच्छी बात, लेकिन कल का टेस्ट खराब नहीं होना चाहिए, हड़बड़ी नहीं होना चाहिए। हाँ तो मैं तुमको बोल रही हूँ ना, मैं उधर दिखना जरूरी नहीं है, हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान से करना है, आराम से करना है ना। अब टीचर लोग भी देखो इतना मतलब, टीचर बोलते हैं हितिका तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी, तो अभी टीचर लोग भी तुमसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे, वो भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, तो मम्मी का प्रेशर है उधर टीचर का प्रेशर है। तो मेरी मम्मी की वजह से तो टेंशन नहीं मिला, टेंशन नहीं मिला मम्मी की वजह से, मम्मी जब पढ़ वो थोड़ी आएगा एग्जाम में, फालतू पढ़ाते रहते हो मेरे को देख तो चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल मिसेस प्रिया सेकर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।